check my answer copies and not just motivate me that I was doing really well, the positive feedback wala mechanism, but also it gave me some really wonderful tips on to how I can improve my score even better. And I have been a student of sociology at Prime 5S, and Vikash Chandan sir, he personally guided and mentored me through my sociology answer writing. I would like to thank personally Vikash Chandan sir for his mentorship in both optional sociology and in essay test series. In this civil services examination also, sociology was my option after consistent guidance of Vikash Chandan sir, and I scored this time 285 marks. I had sociology as optional. I had taken test series from Vikash Ranjan sir, and the feedback provided by sir for my test was very regular. And hello everyone, my name is Porvi Gupta and I have secured All India rank 213 in UPSC CSE 2023. This was my fourth attempt aur ye mera second mains tha, first interview tha. Agar main thoda sa apni journey ke bare mein bataun aur mere bare mein bataun to main Sri Ganganagar Rajasthan se hu aur maine BA kiya hai with economics and political science from Indraprastha College for Women, Delhi University. First attempt mein kahin na kahin mujhme sincerity ki कमी थी और मैंने इतनी नहीं पढ़ाई की थी जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सो इट हैड अल्टीमेट रिजल्ट्स कि मैंने नहीं क्लियर किया था एंड आई न्यू दैट. सेकेंड अटेम्प्ट में आई रिमेम्बर कि मैंने सीसा क्लियर नहीं किया था बाय वन मार्क्स, और एक लर्निंग जो मैंने उससे सीखी है और मैंने अपनी एंटायर यूपीएससी जर्नी में उसको ध्यान रखा है, इज नेवर टेक अ क्वेश्चन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि बबलिंग गलत करते हुए मेरे मन में था पास तो हो ही जाएंगे. सो every question, every mark counts, because ultimately that question was for 2.5 marks and I was just not able to clear by 1 mark. So every question is important, never take any question for granted, aur bahut hi khule dimag se paper karna chahiye. Aap koshish kare ki aapka ek bhi galat na ho, aur bubbling to bahut hi dhyan se karni chahiye, do not leave it for the end. Third attempt mein kyunki maine do bar prelims clear nahi kiya tha to kahin na kahin mera bahut zyada focus prelims mein tha aur mains compromise kiya tha, isi reason se कि मैंने पेपर टू जो अपना ऑप्शनल का था वो कभी नहीं पढ़ा था, मैंने ज़्यादा फोकस वहाँ रखा, और जीएस में भी अल्टीमेटली मेरा बहुत इतना अच्छा स्कोर नहीं था, 385 इन टोटल वाज देयर. तो मेंस उस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और मैंने मेंस क्लियर नहीं कर पाई अपने थर्ड अटेम्प्ट में. और प्रिलिम्स के लिए मैंने बेसिक सोर्सेज पढ़कर ही किया था और दोनों ही अटेम्प्ट्स में प्रिलिम्स मेरा अच्छा मार्जिन से क्लियर था. अगर मैं मेंस की स्पेसिफिकली बात करूँ तो पिछले साल से इस साल में क्या फ़र्क है, एक मैंने अपने ऑप्शनल में काम किया, आई इंक्रीज माई स्कोर टू 226 टू 285. सेकेंडली मैंने एसए में काम किया, एसए में वेयर आई हैव स्कोर्ड अराउंड 92 लास्ट ईयर, आई स्कोर्ड 127 दिस ईयर. सो कपल ऑफ थिंग्स दैट आई कुड से वर्क्ड फॉर मी इन एसए इज लास्ट ईयर मैंने एसए बहुत ही एग्जाम्पल बेस्ड बनाया था कि जो भी टॉपिक आया आपने उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए अपने एसए को बताने के लिए. बट दिस ईयर what I did was I tried to make it more argumentative and then substantiated with the examples. तो इससे एक आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखती है. तो जब आप एक आर्ग्यूमेंट की तरह से अपने पॉइंट्स रखते हैं और उसको फिर एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करते हैं तो इट डज हेल्प. अगर मैं इस साल के अपने एसे की बात करूँ तो एक एसे में मैंने हेडिंग बनाई थी, एनेक्डोट से स्टार्ट किया था, वहीं दूसरा एसे थोड़ा सा मेरे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड था तो मैंने जॉन रॉल से स्टार्ट किया था. दूसरा ऐसे वाज जस्टिस इज अ मैटर ऑफ राइट एंड नॉट चॉइस. सो उस वाले ऐसे में मैंने रॉल से स्टार्ट किया था. दूसरी तरफ मेरे दोनों ही केसेस में कंक्लूजन मेरे पास थे, जैसे यू ट्राई टू एंड इट ऑन अ हायर नोट, जैसे आई हैव टेकन क्लासेस फ्रॉम पीयू सर. एंड मैं एक चीज जरूर कहूंगी, आप जहां से भी ऐसे की क्लासेस लें ट्राई करो कि आप उसको अपनी स्टाइल में इम्प्रोवाइज करो, ना कि उसको कॉपी करो, नहीं तो आपका ऐसे बहुत मैकेनिकल हो जाएगा. आप कुछ भी पढ़ो, किसी भी टॉपर की कॉपी पढ़ो, टॉपर की चीजें पढ़ो, लेकिन उसको अपने अंदर ऐसे इम्बाइब करो कि वो आपकी राइटिंग स्टाइल के साथ कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि उसको चेंज करे, तभी एक नॉवेल्टी एक यूनिकनेस आपके आंसर में दिखेगी. दिस इज पर्सनली आई फील दैट हैज वर्क्ड फॉर मी. तो ऐसे में मैंने डायमेंशंस खोले, आर्ग्यूमेंट्स बनाए और एक अच्छा कंक्लूजन, कुछ लाइंस जो मेरी रेडी थी उन्हीं के बेसिस पे मैंने कंक्लूजन ऐड करने की कोशिश करी. सो दीज आर टू थिंग्स दैट आई थिंक हैज वर्क फॉर मी इन एसे. अदर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो मुझे लगता है मेरे साथ हुआ इज स्पेशली GS3. मैंने काफी लो स्कोर किया था पिछली बार मेंस में, इट वाज जस्ट 67 मार्क्स एंड दिस ईयर आई स्कोर्ड 85 व्हिच इज अ डिसेंट इम्प्रूवमेंट. सो फॉर दिस आई स्पेसिफिकली यूज शिवन सर्स क्लासेस और मुझे वो GS3 की क्लासेस काफी अच्छी लगी. इनफैक्ट उनका राइट स्मार्ट का जो कोर्स है जहाँ वो PYQ एनालाइज कराते हैं,
मैंने वो पूरा तो नहीं देखा, लेकिन मैंने काफी जगहों पे देखा जो सब्जेक्ट्स मुझे लगता है जो वीक है। तो जीएस 3 में भी मैंने काफी क्वेश्चंस जैसे एनवायरमेंट के, इकोनॉमिक के, तो आप उसमें से मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहां से करी। सर का जो कोर्स है, वीडियोस और जो भी सर मटेरियल देते हैं, मुझे काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगा। और मैंने और मेरी फ्रेंड ने, उसने साथ में ही उसी से शॉर्ट नोट्स बनाए थे ताकि हम बार बार उसको रिवाइज कर सके। सो अल्टीमेटली फ्रॉम दैट ऑल्सो आई हैड माई ओन नोट्स। तो आप कोशिश करें कि हर टॉपिक से आपके पास अपने खुद के नोट्स हों। जीएस 3 थोड़ा सा कंटेंट हैवी होता है। लास्ट टाइम मेरी क्या गलती थी कि बस मैंने मेन सीट्स वाइज ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। आप लिख तो लेंगे, लिख तो सब लेंगे, लेकिन आपको अपने आंसर्स बेटर लिखने हैं और अच्छे लिखने हैं। दिस इज वेयर वैल्यू एडिशन वर्क्स फॉर यू। तो जीएस 3 में आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके, थोड़े फ्लो चार्ट डाल के, थोड़े प्रेजेंटेशन डाल के उसको बेटर कर सकते हैं। और मुझे तो कई जगहों पे आंसर्स लिखते हुए, मुझे जैसे AI बेस्ड जो आंसर आया था, मुझे तो सर की इतनी सारी चीजें और बातें एग्जाम लिखते हुए याद थी जब उन्होंने वीडियो में बताया या उनके नोट्स में जैसे लिखा हुआ था, मेरे नोट्स में जैसा लिखा हुआ था। सो आई वॉज एबल टू राइट इट देयर, सो इट हैज रियली हेल्प मी। तो आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं हर टॉपिक पे और उन्हीं को रिवाइज करें। इसी से आपके इंटर लिंकेज आएगी। देन वर्क ऑन सेकंड थिंग इज वैल्यू एडिशन और उसकी इम्प्रूवमेंट। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डेली नॉलेज ट्रैक की टीम का। इस चैनल ने मेरी काफ़ी मदद करी थी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। ये वन ऑफ द स्वीट चैनल्स है इस पूरे इकोसिस्टम में जो आपकी बात को एडिट नहीं करता। आप यहाँ पे खुल के अपने टीचर्स के बारे में बोल सकते हो। मैंने राज राय सर का नाम लिया, मेरे सोशियोलॉजी के टीचर हैं। पीयूष सर का नाम लिया, वो मेरे एथिक्स के टीचर हैं। सुदर्शन सर का नाम लिया जिन्होंने मेंस को प्रिपेयर करना सिखाया। अगर कोई भी और प्लेटफॉर्म पे मैं बोलता था तो वो एडिट हो जाता था। और मैं जब लास्ट में अपनी वीडियो देखता था तो मुझे दुख होता था कि मैं अपने टीचर्स का नाम लिया भी और वो पब्लिश भी नहीं हुआ। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस टीम का, इस ब्यूटीफुल चैनल का, जो एस्पिरेंट्स को, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपनी बात को नेचुरली, ऑनेस्टली रखने का एक मौका प्रदान करता है। एंड आई होप कि एक दिन आपको भी मौका मिले कि आप डेली नॉलेज ट्रैक की टीम के सामने यहाँ पे खड़े हों और आप अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी बताएं और फेलो एस्पिरेंट्स की मदद करें। अभी मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी कि मैंने एग्जाम हॉल में अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट किया। और जब मैं मॉक्स देती थी या पेपर लिखती थी तब भी मैं यही स्ट्रैटेजी से पेपर अटेम्प्ट करती थी यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इनिशियल 35 मिनट्स के अंदर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करती थी 10 मार्कर्स के। फिर मैं उसके बाद 15 मार्कर के सारे क्वेश्चंस करती थी 10 के 10। एंड देन इन द एंड आई विल डू क्वेश्चन नंबर 6 to 10 विच वर 10 मार्कर्स इन द जीएस पेपर। हाउएवर आई डू फील दैट आई कुड हैव अटेम्प्टेड IR क्वेश्चंस इन जीएस 2 फर्स्ट, एज लास्ट में वो थोड़े से सैक्रिफाइस हो गए थे। तो सम वेयर आई विल से कि आप थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ जरूर जाने और उस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। ऐसा ही GS1 में आप सोसाइटी के क्वेश्चंस पहले कर सकते हैं, इट कुड हेल्प। लेकिन GS3 में स्ट्रिक्टली यही अगर मैंने फॉलो करी थी एंड आई थिंक इट वर्कड फॉर मी। और GS2 और GS1 में आई कुड हैव चेंज। तो ये आप इस हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सीबल बना सकते हैं। तो ऑप्शनल के लिए जो मेरी पेपर स्ट्रैटेजी रही थी वो ऐसे थी कि मैं पहले 5 क्वेश्चंस जो हैं 10 मार्क्स के वो करती थी दोनों ही पेपर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ABCDE, उसके बाद में बड़े वाले क्वेश्चंस 20, 15, 15, ऐसे ही तीनों क्वेश्चंस जो बड़े हैं वो करती थी पूरे। और फिर लास्ट में मैं पेपर के जो पार्ट बी के जो क्वेश्चंस होते थे 10-10 मार्कर के 5 क्वेश्चन, वो लास्ट में मैं एंड में करती थी। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि बड़े क्वेश्चंस टाइम लगते हैं, उनमें कहीं ना कहीं स्कोरिंग भी ज्यादा होता है अगर आप उन आंसर्स को अच्छे से लिख दें, और बाकी वाले फटाफट भी हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली इवन इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द अदर लार्जर बिगर क्वेश्चंस। और आप वो 10 मार्कर में अगर आप फटाफट पॉइंट्स भी लिख दें तो भी हो जाता है। एक और चीज, ऑप्शनल में अगर पॉइंटर्स की बात करें कि पॉइंट्स में आंसर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, पर्सनली मैंने कुछ क्वेश्चंस में लिखा है जहां आपको लगे कि फ्लो नहीं आ पा रहा है, या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे है जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखनी है, तो आप वहां पर डेफिनेटली पॉइंट्स में लिख सकते हैं। डू नॉट ओवरडू इट, ट्राई टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम GS, बट आप इतना रिजिड भी ना हो कि आपको सब कुछ पैराग्राफ्स में ही लिखना है हर जगह पैराग्राफ्स, या GS के साथ ये भी रिजिड ना हो कि आपको हर जगह पॉइंटर्स में ही लिखना है। आप कभी कभी पैराग्राफ में भी जा सकते हैं। इट गिव्स अ चेंज, इट गिव्स योर ओन वे ऑफ आंसर राइटिंग टू दैट। सो आप अपने हिसाब से लिखें उस चीज को। थैंक यू सो मच टू DKT फॉर दिस इंटरव्यू, एज वेल एज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ देयर इंटरव्यूज बिफोर। द स्ट्रैटेजी दैट पीपल हैव शेयर्ड हैज हेल्प मी, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई होप that what I have shared also helps you. Thank you.